अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे वैन, आईना, फैन। इन तीनों वाक्यों का मतलब होता है वेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कहाँ। वैन, आईना, फैन, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है कहाँ। एग्जाम्पल, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यूर फ्रॉम? मिन वैन अंता, मिन वैन अंता, आप कहाँ से हैं? यही अगर आपको लड़की से पूछना है तब आप बोलेंगे मिन वैन अंती, मिन वैन अंती, आप कहाँ से हैं। लड़के के लिए अंता, लड़की के लिए अंती। मिन का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं से। मिन का मतलब होता है से, वैन का मतलब होता है कहाँ, इंता और अंती इन दोनों का मतलब होता है आप, यू। मिन वैन अंता, मिन वैन अंती, आप कहाँ से हैं। आपका पता कहाँ है या तुम्हारा पता कहाँ है? वेयर इज योर एड्रेस? दो तरीकों से पूछ सकते हैं आप। पहला है वैन एनवान अंत, वैन एनवान अंत। एनवान की जगह आप मकान भी लगा सकते हैं, वैन मकान अंत। मकान भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग और एनवान भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो राइट शब्द है वो है एनवान। एड्रेस के लिए आप इस्तेमाल कीजिए एनवान। आपका पता कहाँ है? वैन एनवान अंत। सेम डायलॉग अगर किसी फीमेल से, किसी लड़की से एड्रेस पूछना है तब आप ये बोल सकते हैं वैन एनवान नक, वैन एनवान नक। वेयर इज योर एड्रेस? वैन एनवान नक, आखिर में का की आवाज निकलेगी। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एड्रेस लिखा हुआ है, कोई आप स्लिप है, कोई कार्ड है, आप किसी को दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं ये पता कहाँ है। वैन हाजा एनवान, वैन हाजा एनवान। याद रखिए एनवान का मतलब होता है एड्रेस, पता। कुछ जगह पे एनवान की जगह मकान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वैन हाजा मकान, वैन हाजा मकान। तो कन्फ्यूज ना हो, ये दोनों ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। Where is the address? When haza? When haza? N1. When haza? N1. या बोल सकते हैं when N1 haza? When N1 haza? याद रखिए अरबी में आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, आपका सेंटेंस गड़बड़ाएगा नहीं। आप या हाजा आगे कर सकते हैं या N1 आगे कर सकते हैं, अरबी में चलता है स्पोकन लैंग्वेज में। ये पता कहाँ है? When haza N1? वैन हाजा एनवान। या बोल सकते हैं आप वैन हाजा मकान, वैन हाजा मकान। हाजा का मतलब होता है दिस। ये वाक्य आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप फोन पे किसी से पता पूछ रहे हैं या आपके कोई सामने हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं पता कहाँ है, तो आप ये शॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं वैन एनवान, वैन एनवान, वैन एनवान, वेयर इज द एड्रेस, पता कहाँ है। वैन एनवान, वैन एनवान, पता कहाँ है। शॉर्ट में भी बोल सकते हैं आप अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आप फेस टू फेस किसी से एड्रेस पता पूछ रहे हैं। वाक्य ये भी समझने का है, ध्यान से देखें और समझें। आपकी चाबी कहाँ है? वैन मिफ्ता हु का, वैन मिफ्ता हु का। अब देखिए आम बातचीत में हम लोग बोलते हैं वैन मिफ्ता अंता, वैन मिफ्ता अंता। यहाँ पर हमने अंता हटा दिया है, अंता का यहाँ पर यूज़ किया गया है का, अंता की जगह हमने यहाँ यूज़ किया का, मिफ्ता हुका। तो ये शॉर्ट हो गया हमारा, मिफ्ता के साथ हमने लगा दिया हुका। का मतलब होता है आपका, आपकी। वैन मिफ्ता हुका, आपकी चाबी कहाँ है? वेयर इज योर की? वैन मिफ्ता हुका। आगे वाले सेंटेंस में आपको ठीक से समझाता हूँ मैं। आपकी कार घर पर है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इंता सयारा फी बेत, ये हम आम बातचीत में बोलने वाली अरबी में इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम शॉर्ट करना है, हम बोलेंगे सयारा तुका फी बेत, सयारा तुका फी बेत। हमने सयारा के आगे का लगा दिया तो हो गया सयारा तुका फी बेत, आपकी कार घर पर है। और शॉर्ट में बोलना है तब आप बोल सकते हैं सयारा फी बेत, सयारा फी बेत, सयारा फी बेत, आपकी कार घर पर है।
ड्राइवर कहाँ है? वेंसायक, वेंसायक, वेयर इज द ड्राइवर? वेंसायक, ड्राइवर कहाँ है? कारपेंटर कहाँ है? वेन नज्जार, वेन नज्जार। ये छोटे छोटे अरबी के वाक्य हैं जो आप डेली लाइफ में कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। वेन नज्जार, कारपेंटर कहाँ है? वेन तबीब, डॉक्टर कहाँ है? वेयर इज द डॉक्टर? वेन तबीब। आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपको डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा है, आप रिसेप्शन में या किसी से भी पूछ सकते हैं, वेन तबीब, वेन तबीब, डॉक्टर कहाँ है? वेन गुरफा, कमरा कहाँ है? वेयर इज द रूम? वेन गुरफा। वेन मकतब, ऑफिस कहाँ है? वेन मकतब, वेन मकतब, ऑफिस कहाँ है? इसी तरीके से दो शब्दों को मिलाकर आप डेली लाइफ में कहाँ वाले अरबी के वाक्य बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। वेन के बाद आप कोई भी प्लेस लगा दीजिए या किसी का नाम लगा दीजिए। आप बोल सकते हैं मैनेजर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, मैडम कहाँ है, खद्दामा कहाँ है। एक दो और एग्जांपल, वेयर इज़ द कंपनी? ऐना शरीका, ऐना शरीका। यहाँ पर हमने वेन की जगह ऐना का इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है कहाँ, ऐना, फेन, वेन, इन तीनों का मतलब होता है कहाँ। तो आप ऐना लगा दीजिए, फेन लगा दीजिए, वेन लगा दीजिए। और आप ये भी नोटिस कीजिए कि आपके शहर में, आपकी कंट्री में जहाँ पर आप अभी हैं, वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है कहाँ के लिए। वेयर इज़ द कंपनी? ऐना शरीका, कंपनी कहाँ है? वेयर इज़ द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कहाँ है? वेन मुस्तशफा, वेन मुस्तशफा, हॉस्पिटल कहाँ है? वाक्य ये भी याद रखने वाला है, ध्यान से देखिए। उसकी किताब कहाँ है? यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं उसकी। वेन किताबु हु, वेन किताबु हु, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आखिर में हु। उसकी गाड़ी कहाँ है? वेन सयारतु हु। उसका रूम कहाँ है? वेन गुरफा हु। तो यहाँ पर आप याद रखिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हु, है जिसको हम बोलते हैं। उसकी किताब कहाँ है? वेन किताबु हु। ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको हु, उसका, मेरा, हमारा, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको अरबी में। बहुत ही जल्दी आने वाली वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसकी किताब बैग में है। किताबुहू फी हकीबा, किताबुहू फी हकीबा, किताबुहू उसकी, देखिए फिर आया ना उसकी, किताबुहू फी हकीबा, उसकी किताब बैग में है। किताब की जगह आप लगा सकते हैं उसकी चाबी बैग में है, उसकी वीज़ा बैग में है, उसका पासपोर्ट बैग में है। किताब को हटाइए, ये खाली एग्जांपल है सेंटेंस का। आप किताब को हटा के आप यहाँ पर अपनी मनमर्जी का सेंटेंस बना सकते हैं। किताबुहु फी हकीबा। आप कहाँ खड़े हो? वेन इंता वक्फ, वेन अंता वक्फ, वक्फ का मतलब होता है खड़ा होना। वेयर आर यू स्टैंडिंग? वेन अंता वक्फ, आप कहाँ खड़े हैं? वीडियो के अंत में इन तीनों शब्दों का एक ही सेंटेंस बना के मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है, वेयर इज द बाथरूम? पहला है हमारा फेन अल हम्माम, फेन अल हम्माम, बाथरूम कहाँ है? अगेन, ऐना अल हम्माम, ऐना अल हम्माम, वहाँ हमने इस्तेमाल किया था फेन, यहाँ पर ऐना, ऐना अल हम्माम, बाथरूम कहाँ है? वेन अल हम्माम, वेन अल हम्माम, बाथरूम कहाँ है? इन तीनों का मतलब एक ही है, बाथरूम कहाँ है। कहीं पे हमने वेन इस्तेमाल किया है, कहीं पे हमने ऐना, कहीं पे फेन, मतलब तीनों का एक ही है, कहाँ। पता कहाँ है? वेन हाजा एनवानक, वेन हाजा एनवानक, पता कहाँ है? वेन हाजा एनवानक। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, मा सलामा।